मंथली रेवेन्यू कितना बनता है? हो जाता है भाई 1.5 से लेकर 2 तक हो जाता है YouTube से ही, और बाकी स्पॉन्सर्स रहते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे लाइव पे आया है डाकू विलन वाईटी। कई बड़े बड़े गुटका कंपनी के ऑफर्स आते हैं। तो फिर से स्वागत है आपका अपना मोमेंटो के एक दूसरे वीडियो में। तो पहले तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने काफी जबरदस्त सपोर्ट दिया, काफी मोटिवेट किया आपने मुझको। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि कह रहे थे आप न्यूज बॉय और नियॉन मैन को कॉपी कर रहे हो। कोई बात नहीं, तो आज की वीडियो में भी हमारे पास काफी सारे न्यूज हैं और पारस ऑफिशियल के बारे में भी काफी सारी अपडेट्स हैं। अगर आप मुझको न्यूज भेजकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रेडिट पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यूज सबमिशन का लिंक है, वहां से जाकर आप मुझको न्यूज भी सबमिट कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के पहले न्यूज के बारे में, ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी एक बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। तो ध्रुव राठी बेसिकली आईपीएल देख रहे थे और उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया कि वॉच्ड आईपीएल फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन टीवी, इट सीम्स लाइक 1/3 एड्स आर जस्ट अबाउट पान मसाला, गुटका एंड ऑनलाइन बैटिंग गेम्स, अनबिलीवेबल एंड डिसअपॉइंटिंग। तो यस, आईपीएल जब भी आता है तो पान मसाला और बैटिंग एप्स की तो भाई काफी ज्यादा एड्स चलती रहती है। और इस पर अमित शर्मा जो कि फ्री फायर के यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी रिएक्ट किया है। तो उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था और ऊपर लिखा था बोलो जुबा केसरी। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो, स्वस्थ भारत। तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। बड़े सटीक तरीके से कहा उसने। The next day, देखे कौन नया खिलाड़ी आया है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, राउंड टू हेल के नई वीडियो के बारे में। यस गाइस, उनका एक नया वीडियो आ रहा है जो कि आईपीएल के ऊपर आने वाला है। उन्होंने इस बात को अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में बताया, उसमें लिखा कि आईपीएल वीडियो ऑन द वे, कुछ दिन रुक जाओ। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, पारस ऑफिशियल के बारे में। तो पारस ऑफिशियल का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है और उनके साथ एक और न्यूज है कि उनकी जो मदर है वो एक बात से खुश नहीं है, जो केस दर्ज किया गया उस पर जिसने पारस के घर पर घुस के उनको ये किया था, उस आदमी पर जो केस लगी है, जो धाराएं लगी हैं, उससे उनकी मदर खुश नहीं है। इस बात को सुपर खालसा ने अपने लाइव वीडियो में बताया। एक जो यार बैड न्यूज है ना, छोटी सी है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। जो भी केस चल रहा है भाई का, जो पारस भाई का केस चल रहा है ना, उसमें अभी जो धारा वगैरह लगी है बंदों के ऊपर, उस पर थोड़ा सा कुछ बातचीत चल रही है। तो पारस की मदर से बात हुई है, वो थोड़े सेटिस्फाई नहीं लग रहे क्योंकि जो धारा लगाई गई है उनको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग केस बनाया जाए ताकि जो ये गलती की गई है ये दोबारा ना हो। तो अभी हमारा मेन फोकस यही होगा, जैसे पारस भाई आते हैं वापस हॉस्पिटल से उन्हें मिलेंगे, अगर वो चलने लायक हुए तो आज उनको साथ में लेके जाएंगे और उनकी हालत दिखा के हम पूछेंगे कि भाई आपने जो ये धारा लगाई, आपको लगता है कि ये भाई का जो काम हुआ है, जैसी उसकी हालत है, ये मैच करती है उससे। और सुपर खालसा से रिलेटेड एक और न्यूज है, कुछ दिन पहले वो यूट्यूब पर लाइव आए हुए थे और उसी लाइव के बीच में एक अकाउंट ने कमेंट किया, अकाउंट का नाम डाकू विलन था। उस अकाउंट ने उस लाइव में कमेंट किया कि आजा सुपर खालसा तेरे साथ 1v1 कर लें। तो ऑब्वियसली उस बात से सुपर खालसा काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। अच्छा, अभी हमारे साथ यहाँ पे लाइव पे आया है डाकू विलन वाईटी, खालसा आजा 1v1 कर। बेटे पहले ना तू थोड़ी सी तमीज सीख ले, तू जो कोई भी है, अगर तेरा असली अकाउंट है या तेरा फेक अकाउंट है, थोड़ा तमीज से बोल या खालसा जी ले या सुपर खालसा जी ले, ठीक है। अगर तू ये रियल अकाउंट वाला है तो अपनी औकात में रह, तमीज से बात कर। 1v1 की तुझे जो बात कर रहा है ना, जब उठा के तुझे लेके जाएंगे ना पुलिस वाले, अगर तू ये रियल अकाउंट वाला है, अगर तूने ही ये हरकत की है, फिर मैं तुझे वहाँ पे आके मिलूंगा, फिर मेरे सामने बात करना 1v1 की, ठीक है। ये तुम्हारी भाषा ना गेमों के अंदर चलती है, गेमों के अंदर तुम लोग सिर्फ ये बात कर सकते हो, 1v1 कर लो, तो रियल लाइफ में तुम्हारा 4v1 करूंगा। समझ में आई ना, जो भी उसको कहते हैं क्लच कहते हैं, जो भी कहते हैं 4v1 कहते हैं, सोलो वर्सेस स्क्वाड कहते हैं, सारा कुछ मुझे पता है। तो तुझे मैं बता रहा हूँ, ये बोलना, मुझे धमकी देना 1v1 करना है, बेटा जब तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ ये गलती मत करो। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, न्यूज बॉय के बारे में। तो कल सतीश के वीडियोस के चैनल पर एक इंटरव्यू आउट हुआ था न्यूज बॉय और उनका, जिसमें न्यूज बॉय ने काफी सारी बातें बताई थी और ये भी बताया था कि उनकी अर्निंग कितनी है। उन्होंने बताया कि उनका पर डे अर्निंग 10 से 12 हजार रुपए हो जाता है केवल मोनेटाइजेशन से, बाकी ब्रांड्स का अलग होता है और ब्रांड्स का मिलाकर उनका महीने का 3-4 लाख रुपए बन जाता है। मंथली रेवेन्यू कितना बनता है? हो जाता है भाई 1.5 से लेकर 2 तक हो जाता है यूट्यूब से ही, और बाकी स्पॉन्सर्स रहते हैं। स्पॉन्सर्स अभी स्पॉन्सरशिप, कभी कभी
महीने में 5-6 भी मिल जाते हैं, 7-8 भी मिल जाते हैं कभी कभी, कभी कभी 3-4 भी मिल जाते हैं। तो स्पॉन्सर से काफ़ी अच्छा हो जाता है, यूट्यूब से डबल ट्रिपल भी हो जाता है कभी कभी जितना यूट्यूब से आता है। तो न्यूज़ बॉय से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, उन्होंने कल ट्विटर पे एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि आई हैव अ बैड हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग व्हाट सम पीपल डिड टू मी, हाउ बैड दे वर, हाउ दे बिहेव्ड विद मी, हाउ दे ट्रीटेड मी, व्हाई सो, व्हाई कांट आई बी एंग्री विद देम ऑलवेज। तो बेसिकली वो बता रहे थे कि अगर कोई आदमी उनके साथ कुछ गलत करता है तो उस चीज को भूल जाते हैं, उस आदमी को माफ कर देते हैं, क्यों वो बाकियों की तरह उस चीज से गुस्सा नहीं हो जाते, उस आदमी से गुस्सा नहीं हो जाते। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, मिलिंद गाबा और प्रिया बेनीवाल के बारे में। तो दोनों की शादी हो गई है और कैरी मिनाटी के जो मैनेजर है दीपक चहर, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला था, तो कैरी मिनाटी और फ्लाइंग बीस्ट ये लोग उनकी शादी में गए थे। सो या मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी के आज के व्लॉग में एक फनी सा इंसिडेंट हो गया था, वो क्या हुआ था ये देखिए। गाइस एक बहुत 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 फनी सीन हुआ, इतने सब्सक्राइबर मिल रहे थे ना, उसमें से एक लड़का लड़की मिले, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, दोनों सब्सक्राइबर थे, दोनों मतलब फैन थे, दोनों मेरी वीडियोज देखे, दोनों को व्लॉग में भी आना है, लेकिन दोनों साथ में जा सकते बिकॉज घर वाले देख लेंगे। तो कह रहे अलग अलग लो और वीडियो में एक साथ नहीं दिखने चाहिए, लेकिन साथ में भी शूट हो गया, उनको कट करना पड़ेगा लेकिन। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, मॉर्टल और कैरी मिनाटी के बारे में। तो कल मॉर्टल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था, वो भी कैरी मिनाटी के साथ, और उस पोस्ट के नीचे लिखा था कि सो कैरी मिनाटी वॉज आउट ऑफ आइडियाज फॉर हिज रोस्टिंग वीडियोस, शेयर्ड एन आइडिया विद हिम। तो यह हो सकता है कि दोनों के बीच में कोलैब देखने को मिल जाए हमको। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान एक नया चैलेंज कर रहे हैं, वो भी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। उन्होंने कल अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में लिखा कि 24 आवर्स टॉर्चर है तो सोच समझ के, यानी जो चैलेंज होगा वो 24 आवर्स का टॉर्चर होगा, तो भाई सोच समझ के उसमें अप्लाई करना। और आपको बता दूं कि पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 30 सेकंड का एक ऑडिशन वीडियो बनाना होगा और उनको भेजना होगा, तब जाकर आप सिलेक्ट होंगे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, टेक्निकल सागर के बारे में। तो टेक्निकल सागर ने कल एक ट्वीट किया, पैथेटिक सर्विस बाय इंडिगो 6E, वेटिंग फॉर माय लगेज फ्रॉम लास्ट 20 मिनट्स एंड नाउ बेल्ट इज नॉट इवन मूविंग। तो बेसिकली कल वो एक एयरपोर्ट में थे और जो बेल्ट होती है, जो लगेज को आगे लाती है, पहले आगे आने में 20 मिनट लग गया, उसके बाद वो बेल्ट ही रुक गया। सो या गाइस आज के लिए बस इतना ही, आप लोग जो कमेंट करते हो मुझको काफी अच्छा लगता है, और जो लोग मुझको सुधार करने के लिए बोलते हैं क्या क्या सुधार करें, कुछ मैंने फिर कुछ अलग सुधार किया, अगर इसमें भी कुछ अलग करना है तो वो भी आप बताना। वीडियो अगर पसंद आए और वीडियो को अगर आगे बढ़ाना आप चाहते हो तो बस एक लाइक कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, अपना डॉट मोमेंटो के नाम से आईडी है, और डिस्क्रिप्शन में न्यूज सबमिशन का लिंक है, वहां से आप मुझको न्यूज भेजकर अपना क्रेडिट पा सकते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।